दोस्तों, टोयोटा आज दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कार कंपनी है, क्योंकि हर साल सबसे ज्यादा कार्स टोयोटा की ही सेल होती हैं। अलग अलग देशों में ये अपनी अलग अलग कार मॉडल्स की वजह से पॉपुलर हैं, पर इंडिया में टोयोटा की मोस्ट सेलिंग कार्स इनोवा और फॉर्च्यूनर ही रही हैं। और फॉर्च्यूनर की इंडिया में जो पॉपुलैरिटी और फैन फॉलोइंग है, वो इस सेगमेंट की किसी भी कार के पास नहीं है। 2009 से ही इंडिया में जब से ये SUV लॉन्च हुई है, तब से इसके सेगमेंट में कोई भी SUV से टक्कर नहीं ले सकी है। और टोयोटा और फॉर्च्यूनर ही ऐसी कार्स रही है जिनकी वजह से टोयोटा इंडिया में भी सक्सेसफुल है। लेकिन अब जहां हर कार ब्रांड अपनी कार्स को डेवलप करने और नए नए फीचर्स के साथ लॉन्च करने में लगा हुआ है, टोयोटा फॉर्च्यूनर को 2016 के बाद कोई खास अपडेट नहीं मिला है। यानी 8 साल बीत चुके हैं, तब से इसी डिजाइन के साथ फॉर्च्यूनर लोगों के सामने पेश की जा रही है। इंटीरियर में थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, लेकिन ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं और थोड़े बहुत फीचर्स ही एड किए गए हैं। दूसरी तरफ फोर्ड इंडिवर, जो फॉर्च्यूनर की इंडिया में सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर रही है, वो नए अवतार के साथ इंडिया में अगले साल लॉन्च होने वाली है। ऐसा अगर होता है तो फॉर्च्यूनर की सेल्स को जबरदस्त टक्कर मिलेगी। लेकिन इस टक्कर में फॉर्च्यूनर जीत जाए, इसके लिए टोयोटा ने अभी से तैयारी स्टार्ट कर दी है। और आने वाले वक्त में टोयोटा फॉर्च्यूनर की एकदम नई जनरेशन नए लुक के साथ लॉन्च करने वाली है, ताकि फॉर्च्यूनर की सेल्स के ऊपर नई फोर्ड इंडिवर के लॉन्च होने या किसी भी नई SUV के लॉन्च होने का कोई फर्क ना पड़े। दोस्तों, टोयोटा की फॉर्च्यूनर में आज तक केवल थोड़े अपडेट्स ही हुए थे, लेकिन जब फॉर्च्यूनर की नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च की जाएगी, तो उसकी डिजाइन और उसका नया लुक पहले से काफी ज्यादा मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक होने वाला है। ये जो कार आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये टोयोटा फॉर्च्यूनर नहीं बल्कि टोयोटा सिक्विया है, जो कि अमेरिका में काफी ज्यादा पॉपुलर है। ये SUV साइज के मामले में फॉर्च्यूनर से काफी ज्यादा बड़ी है और इसका कॉम्पिटिशन लैंड क्रूजर जैसी SUV से है। यानी जिस सेगमेंट में लैंड क्रूजर, फोर्ड एक्सपेडिशन और डिफेंडर आती हैं, उसी सेगमेंट की SUV से कहा जा सकता है। अब सेक्विया की बात हम इसलिए यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि ज्यादातर कंपनीज की कार एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलती जुलती होती हैं, बस साइज में या थोड़ी बहुत चीजों में चेंज करके उन्हें नए नाम से लॉन्च कर दिया जाता है। तो फॉर्च्यूनर दिखने में काफी हद तक सेक्विया की तरह लग सकती है, हालांकि ये उससे बहुत ज्यादा बड़ी है, तो साइज में वो छोटी होने वाली है। इस कार को अगर हम देखें तो इसकी डिजाइन काफी ज्यादा है। ये काफी ज्यादा बड़ी और रफ एंड टफ SUV है। इसकी फ्रंट ग्रिल काफी ज्यादा बड़ी हैं और हेडलैम्प्स काफी एग्रेसिव हैं। ग्राउंड क्लीयरेंस ज्यादा होने की वजह से इसके टायर्स भी काफी बड़े हैं, ताकि ये प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए यूज की जा सके। हालांकि अगर पीछे की डिजाइन देखी जाए तो इसमें पीछे की लाइट्स स्लीक डिजाइन में बनाई गई हैं, जैसे कि करंट जनरेशन ऑफ फॉर्च्यूनर में है। दोस्तों, टोयोटा फॉर्च्यूनर में सनरूफ नहीं दी जाती है, जिसकी शिकायत बहुत ज्यादा टोयोटा को सुनने को मिल रही थी। लेकिन टोयोटा की जो नई SUVs मिडिल ईस्ट और अमेरिका में लॉन्च की गई हैं, उन सभी में सनरूफ ऑफर की जा रही है, चाहे वो लैंड क्रूजर हो, टोयोटा सुकिया हो या फिर टोयोटा हाईलैंडर। इन सभी में ना ही फीचर्स की कमी है और दिखने में भी ये काफी ज्यादा शानदार हैं। अब क्योंकि ये सभी कार्स टोयोटा की अमेरिका और मिडिल ईस्ट की मार्केट में सेल की जाती है, और उस मार्केट में इंडिया से भी ज्यादा कॉम्पिटिशन है, क्योंकि इंडिया की मार्केट में फॉर्च्यूनर की सेगमेंट में कोई भी खास कार नहीं बची है। लेकिन वही अमेरिका और मिडिल ईस्ट में, वहाँ फोर्ड, शेवरोले और लिंकन जैसी कंपनीज की काफी लार्ज SUVs बहुत ज्यादा फीचर्स के साथ ऑफर की जाती हैं। इसीलिए टोयोटा को उस मार्केट में सक्सेसफुल बने रहने के लिए अपनी SUVs को भी प्रॉपर फीचर्स के साथ लॉन्च करना पड़ता है, और ऐसा ही करके टोयोटा वहाँ पर सक्सेसफुल भी है। तो दोस्तों, जैसा की उम्मीद जताई जा रही है, अगर टोयोटा की सेक्विया से इंस्पायर होकर उसने फॉर्च्यूनर को इंडिया में लॉन्च किया, तो बाहर और अंदर दोनों ही साइड से ये कार बेहद खूबसूरत होने वाली है। इसमें करते ही आपको काफी प्रीमियम क्वालिटी की सीट्स देखने को मिलेंगी, जिनमें वेंटिलेटेड सीट तो ऑफर की ही जाएंगी, क्योंकि इस जनरेशन में भी ऑफर की जाती हैं। लेकिन सबसे खास होगा इसका डैशबोर्ड। टोयोटा सुकिया के डैशबोर्ड में काफी बड़ा बड़ा टोयोटा लिखा नजर आता है, जो दिखने में काफी कूल लगता है। और सबसे ज्यादा खास है इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन, जो काफी बड़ी है। टोयोटा सुकिया में आपको 14-इंच की इंफोटेनमेंट डिस्प्ले ऑफर की जाती है, जबकि अभी तक की फॉर्च्यूनर में महज 8-इंच
की इंफोटेनमेंट डिस्प्ले ही दी जा रही थी। और थोड़ी सी अपग्रेड के साथ जो फॉर्च्यूनर फिर से इंडिया में लॉन्च होने वाली है उसमें भी डिस्प्ले सिर्फ 9 इंच का ही दिया जाएगा, लेकिन जब इसकी पूरी जनरेशन चेंज होगी तो डिस्प्ले का साइज 14 इंच तक हो सकता है। इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन में आपको टोयोटा का लेटेस्ट ऑडियो मल्टीमीडिया इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाता है जो आपके फोन के साथ सीमलेसली कनेक्ट हो जाता है। साथ में एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स तो मिल ही जाते हैं, पर टोयोटा का इनहेंस्ड नेविगेशन सिस्टम आपको कहीं भी जाने में काफी मदद करने वाला है। दोस्तों, स्टीयरिंग के बाद इस टाइम की फॉर्च्यूनर में आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है, लेकिन सिक्विया में 12.3 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है जो कि नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फॉर्च्यूनर में भी ऑफर किया जाएगा। फॉर्च्यूनर के अंदर पीछे के साइड आपको किसी भी तरह की डिस्प्ले देखने को नहीं मिलती है, लेकिन टोयोटा अपनी नई एसयूवीज जो भी लॉन्च कर रहा है उनके अपर मॉडल्स में पीछे के साइड भी डिजिटल स्क्रीन्स लगी होती हैं जो पीछे के पैसेंजर्स को एंटरटेनमेंट और कनेक्टिविटी के ऑप्शंस देती हैं। पीछे की तरफ डिजिटल स्क्रीन लगा होने से कार किसी बड़े लग्जरी ब्रांड का फील देने लगती है। इस टाइम टोयोटा हाईलैंडर में भी ऐसी ही स्क्रीन दी जा रही है जो कि विदेशों में फॉर्च्यूनर से भी सस्ती है और उससे थोड़ा सा छोटी एसयूवी है। दोस्तों, बात की जाए पावर ट्रेन की तो टोयोटा ने जो इनोवा लॉन्च की है वो भी हाइब्रिड इंजन के साथ लॉन्च की गई है, और टोयोटा की फॉर्च्यूनर, इनोवा और हाइलक्स इन तीनों को ही एक प्लेटफॉर्म पर बनाया जाता है। इसी वजह से इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी होती हैं। फॉर्च्यूनर के न्यू वेरिएंट में भी आपको हाइब्रिड इंजन ऑफर किया जा सकता है जो कि ना सिर्फ पावरफुल होगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा, बल्कि इसका माइलेज भी काफी ज्यादा होने वाला है। हालांकि फॉर्च्यूनर के ओनर्स को माइलेज का कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एनवायरमेंट में होने वाले पॉल्यूशन के लिए हाइब्रिड कार काफी अच्छी मानी जाती है। दोस्तों, कुछ लोग ये भी अंदाजा लगा रहे थे कि टोयोटा की नई जनरेशन फॉर्च्यूनर इलेक्ट्रिक होने वाली है, लेकिन ऐसा लगभग नामुमकिन है क्योंकि टोयोटा को 100% इलेक्ट्रिक कार बनाना पसंद नहीं है। उनकी जगह पर टोयोटा हाइब्रिड कार्स को लॉन्च करता है जो थोड़ी सी इलेक्ट्रिक होती हैं। उनमें इंजन्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक मोटर्स भी लगे होते हैं। टोयोटा को इलेक्ट्रिक कार बनाना क्यों नहीं पसंद है, ये जानने के लिए आप हमारी वीडियो को कार्ड पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये काफी खूबसूरत फॉर्च्यूनर जिसमें इसकी पूरी जनरेशन चेंज हो जाएगी, ये कब लॉन्च होगी इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, पर इस साल इसका आना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इस साल टोयोटा ने ऑलरेडी थोड़ी सी अपडेट के साथ थाईलैंड में फॉर्च्यूनर को लॉन्च कर दिया है जिसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर में भी कुछ खास बदलाव नहीं दिख रहे हैं, और उसी फॉर्च्यूनर को इंडिया में भी इस साल के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन आने में अभी थोड़ा वक्त बाकी है। वो शायद इंडियोर के लॉन्च होने के बाद ही लॉन्च की जाएगी, लेकिन उससे पहले टोयोटा अपनी एक और एसयूवी को इंडिया में लॉन्च कर सकता है जो प्राइस में फॉर्च्यूनर से कम होगी, यानी उसका कॉम्पिटिशन एसयूवी 700 जैसी कार से होगा। उस एसयूवी के ऊपर टोयोटा ऑलरेडी वर्क कर रहा है। दोस्तों, आपको फॉर्च्यूनर कितनी पसंद है कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।